नमस्कार दोस्तों, इस इंजन में क्या हुआ था, इसकी जो हरकत है वो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, इसमें जो दिक्कत आई है, ये तो सबसे पहले हम इसका पंप खोलेंगे, क्योंकि इंजन में ना लोड लेना पंप का होता है। और अगर सफ़ेद धुआं देकर इंजन ना लोड ले तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो ब्रास सीवी होते हैं उससे दिक्कत आई है और रिंगों से दिक्कत आई। लेकिन अगर इस तरह की हरकत करे तो हमेशा दिक्कत पंप से आती है, नाजुल प्लंजर और डीबी वाल से। तो सबसे पहले जब इंजन में दिक्कतें आती हैं तो पंप खोला जाता है, फिर इसके बाद में नोजल का नंबर आता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर आप इसी प्रकार की इंजन से संबंधित वीडियो पाते रहेंगे और हम आपको इसी प्रकार से देते रहेंगे। इसका पंप अब हम खोल लेंगे पूरा, ये हम डीबी निकालेंगे, क्योंकि पंप में जो कोई फॉल्ट आता है तो पूरा पंप खोलना पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ता है इसमें कहां से कौन सी फॉल्ट बनी है। ये प्लंजर हम निकाल लिए हैं। जो डीबी के वार्सल टाइट होते हैं वो बहुत सख्त निकलते हैं, इसलिए इसको पेचकस से निकाला जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, बहुत बारीकी दिक्कत है जो समझ में आई है। इसमें क्या हुआ है, जो पॉइंट बना होता है लॉक प्लंजर रोकने के लिए, दोस्तों वो अंदर से घिस गया है, जिसके वजह से क्या हुआ था, इसका प्लंजर घूम गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये जो पॉइंट है इसको पहले हम इसको ठोक देंगे, क्योंकि इसका सिस्टम होता है बाहर से हल्का सा ठोकर दे दो अंदर चला जाएगा। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, ये पॉइंट है जो हमने ठोका है। क्या होता है, जब ये पॉइंट खींच जाता है तो प्लंजर घूम जाता है, इस पॉइंट से घूम जाता है, फिर जो ये है कभी इंजन स्टार्ट नहीं होगा, कभी इंजन बंद नहीं होगा। ये जिस हिसाब से इसका जो छेद होता है घूम जाएगा, उस हिसाब से इसका सिस्टम होगा। और कभी कभी इंजन घुट घुट कर चलने लगता है, और कभी कभी जो आपने आज हरकत देखी, ये हरकत होने लगती है। ये इंजनों की हरकतें तैयार हो जाती हैं पंप के वजह से। इसमें हम पुराना ही प्लंजर डालेंगे, क्योंकि अभी ये प्लंजर जो है जल्दी ही पड़ा था। प्लंजर क्या, इसमें तीनों चीज़ नहीं पड़ी थी, डीबी, नोजल और प्लंजर, तो इसलिए इसको हम यही डालेंगे। इसमें दिक्कत के लिए यही आई थी कि इसका प्लंजर जो है घूम गया था। पंप जब भी बांधा जाता है दोस्तों, तो सबसे पहले डीबी को टाइट किया जाता है, फिर नीचे के पार्ट्स बाद में सेट किए जाते हैं। और दोस्तों, आप सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हम बता चुके हैं और फिर भी बता रहे हैं कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप उस पर किसी भी प्रकार की जानकारी हमें दे सकते हैं। और अगर कोई ज़रूरत है तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं। और ये देखिए, दोनों में पॉइंट बना हुआ है, ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल राइट होना चाहिए, एक भी दांत इधर या उधर नहीं होना चाहिए। अब ये राकर हम लगाएंगे पहले। और इसको डालने का सबसे बेस्ट आइडिया हम आपको बता रहे हैं, जो हाथ के सबसे पतली वाली उंगली होती है उसको बीच में पिला लें, इसको
जो इसकी गड़ारी होती है उसको आप डाल दें। वैसे हम तो ऐसे ही डालते हैं अनुभव के हिसाब से, लेकिन अगर आप डालने का हम आपको बेस्ट जुगाड़ बता रहे हैं कि अपनी उंगली में डालकर इसको डाल दें। हमारा अनुभव है, हमने ऐसे ही इसको सेट कर दिया है। ये हमेशा दोस्तों जिस साइड में पाइप टाइट किया जाता है डीजल का, वो साइड में इसका कट होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें, नहीं आपका इंजन बंद नहीं होगा या फिर सेट नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये हम कटोरी डाल दिए, ये स्प्रिंग डाल दिए, ये है दोस्तों प्लंजर लॉक। इसको दाब कर देख ले, राकर को बढ़ाकर, ये दब रहा है या नहीं दब रहा है, क्योंकि ये कभी कभी अटकने भी लगता है। देखिए कितने आसानी से लग जाता है, अगर बिल्कुल सेट है तो आप लॉक को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। उसको हम चलाकर भी देख लेंगे। हम पंप को देख लेंगे, क्योंकि जब पंप बनाया जाता है तो पहले सब आकर देख लिया जाता है डीजल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उल्टा तो नहीं बन गया है। पंप एकदम राइट है, सही से काम कर रहा है। अब इसको हम इंजन पर दोबारा बांध रहे हैं।